नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाऊंगा जो हैंडीक्राफ्ट के काम को, न सिर्फ मिथिला के हैंडीक्राफ्ट के काम को, बाकी और भी तरह के काम को ये अपने एक अपना कोना आर्ट फाउंडेशन के तहत ये यहाँ पर अपना एक वर्कशॉप चलाती हैं और यहाँ पर ये इनके जो स्टूडेंट हैं उनको ये बताती हैं, सिखाती हैं। आइए मैं मिलवाता हूँ अल्पना झा से। यहाँ बीच बीच में एक एक स्टोन तब तक रख दीजिए आप, ये वाला है ना, ये स्टोन यहाँ तक। नमस्कार, मेरा नाम अल्पना झा है और मैं पिछले 20 साल से ये इसी काम में लगी हुई हूँ। और जब मैं अपने 11th 12th कक्षा जब मैंने पास की थी, उसके बाद से ही मेरे मन में ये एक जुनून सा था कि मुझे कुछ करना है। क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ और बिहार की हर नारी के हाथ में कला की चीज़ जो है वो घर घर में आपको मिलेगी, तो मैं उस चीज़ को थोड़ा और आगे तक बढ़ाना चाह रही थी। कि तो मैंने अपने लिए मन में ही सोच रखा था, जहाँ आजकल के बच्चे सोचते हैं डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ और बनना या बिजनेसमैन बनना, तो मैं यही सोच करके मैंने सोचा हुआ था कि ये काम करना है मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट के क्षेत्र में। और मैंने इसकी काफ़ी तालीम भी हासिल की और आज दिल्ली में मैं अपना छोटा सा अपना कोना क्रिएटिव फाउंडेशन नाम की एक संस्था चला रही हूँ, जो काफ़ी महिलाओं को रोज शिक्षा तो दे ही रही है आर्ट एंड क्राफ्ट के क्षेत्र में, इसके साथ साथ उनको उनके रोजगार की भी व्यवस्था कर रही है। अभी आपके यहाँ कितने स्टूडेंट हैं? अभी तक हमने यहाँ पे लगभग 70-80 स्टूडेंट्स को अभी तक हमने ट्रेंड किया है। अच्छा। जिसमें से लगभग 20-25 स्टूडेंट जो हैं वो अपने पैरों पे खड़े हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं। मूवमेंट का जो सेल्फ एम्पावरमेंट का है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। पहले हमें घर से उनको निकालना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है कि आप घर में हो, क्योंकि दिल्ली में रहना है तो उनको आमदनी तो चाहिए ही, और आजकल दोहरी आमदनी चाहिए ताकि मियां बीवी दोनों ही कमाएं और आराम से अपनी जिंदगी गुजर बसर करें। तो महिलाएं जो हैं वो घर में बैठी हैं, कभी कोई टाइम पास हो रहा है, कभी इधर उधर की बातें हो रही हैं, कभी टीवी सीरियल्स में जो अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। तो हम लोग उनको मोटिवेट करते हैं कि इस टाइम का यूटिलाइज आप सीखने में करो और फिर घर बैठे अपना अर्थोपार्जन करो, जो भी अपना आप कमा सकते हो, थोड़ी बहुत ही कुछ आमदनी हो जाती है तो उसमें जो सेल्फ रिस्पेक्ट मिलता है महिलाओं को। अच्छा अल्पना जी, आपने जो ये डिस्प्ले कर रखा है ना जी, मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्या चीज है, क्या क्या चीज है, किसमें काम आता है ये? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा क्रिएटिविटी के ऊपर हमारा काम है, तो क्रिएटिविटी के ऊपर हमने सोचा कि हमारी कहीं से कोई सहायता नहीं है हमारे संस्था को, तो हमें खुद ही आगे बढ़ के इन महिलाओं को रोजगार दिलाना है। तो अब हमने ये सोचा कि जो हमारे यहाँ कल्चर है शादियों विवाहों का, जनेऊ संस्कारों का, बहुत तरह की चीज़ों का, तो उन सब चीज़ों में हम इनकी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये बिंदी देखिए हाथ से बनी गई है, ये जैसे शादियों में हमारे यहाँ दुल्हनों को श्रृंगार पे काम आता है, इसके अलावा डांस वगैरह में भी आप जैसे भरतनाट्यम वगैरह इन सब चीज़ों में आप इस तरह की बिंदियों का इस्तेमाल आप देखोगे, ये हम लोग हाथ से ही बनाते हैं। जैसे शादियां हैं घर में, कुछ अगर कलश वगैरह ना हो किसी पूजा विधि में किसी चीज में तो उसको अच्छा नहीं माना जाता, तो उसको हम लोग पूरे अच्छे से सजावटी तौर पे करके हम लोग देते हैं। यहाँ जैसे कि मिथिला की शादी बिना कोहवर के संपन्न नहीं होती, तो ये कोहवर का भी हम लोग यहाँ पे इंतजाम करते हैं, कोहवर भी बना के देते हैं। ये पीढ़ी है जो चौकी जिसे कहते हैं दिल्ली में, ये भी हाथ से पेंट की गई है, इसे भी पूजा विधि में इस्तेमाल कर सकते हैं, शादियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक तरह का ज्वेलरी बॉक्स है जो आप अपनी बेटियों को शादियों में दे सकते हैं या किसी भी तरह से इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ ज्वेलरी बॉक्स, एज अ फ्रूट बॉक्स, आप किसी भी तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ये पंखे, ये सजावटी पंखे, ये सारे हाथ से क्रिएट किए गए हैं, और जहाँ जहाँ भी हमें ऑर्डर आता है, जहाँ से भी कि हमारे यहाँ शादी है या कुछ है तो वहाँ से ऑर्डर आता है, तो इन्हीं महिलाओं के द्वारा जो है ये सारे काम करवाए जाते हैं। और इस जिससे इनका पाग बड़ा फेमस होता है, हाँ, पाग है ये पाग है, ये सिल्क के पाग है, इसके ऊपर भी जो ये मधुबनी चित्रकारी की गई है ये यहाँ की महिलाओं ने ही किया है, यहाँ से सीख के ही किया है यहाँ से। और ये पाग के साथ साथ
दुशाले या जो है वो भी जेंट्स के लिए हम लोग बनवाते हैं, ताकि एक सम्मान का चिन्ह है ये, जो कहीं किसी फंक्शन में या शादियों में हम लोग देते हैं अपने से बड़े बुजुर्गों को या अपने से सम्मानित व्यक्ति को अगर करना हो तो इसके लिए किसी के भी सम्मान की बात होती है। ये भी साथ में ही हम लोग देते हैं। ये क्या कर रही है? ये अभी हम लोग कैनवास का बैग बना रहे हैं, कैनवास का बैग है ये, इस तरह का। ये भी यहीं पे सिलाई भी हम लोग करवाते हैं, और इसके साथ साथ जो पेंटिंग है ये करवाते हैं, और ये काफी आजकल फैशन में भी चल रहा है, यूजफुल भी है, वॉशेबल है, और इसमें जो कलाकारी दिखती है हाथ की वो आजकल मॉडर्न जमाने में भी काफी डिमांडिंग है ये। तो ये अभी हम लोगों को ऑर्डर आता है और हम लोग बनाते भी है, काफी इसका डिमांड रहा होगा। जी काफी इसका डिमांड है। ये जैसे अभी हम लोगों ने बनाया है, स्लिंग बैग्स हैं, लेडीज हो जेंट्स हो सभी लोगों के आजकल की डिमांड है ये। इसके अलावा हमने पिछले साल 2020 से लेकर के अभी तक लगभग 3000 मास्क जो है वो हम लोगों ने मधुबनी पेंटिंग के बनाए हैं, और हमारी महिलाओं हमारी स्टूडेंट्स ने ही मिलकर के बनाए हैं, और अभी तक हम लोगों ने अच्छा खासा इसकी सेलिंग मतलब 3000 के ऊपर ही कर पेंटिंग का ये मधुबनी पेंटिंग। हाँ जी है। ये मधुबनी पेंटिंग का है इसके ऊपर, और प्योर कॉटन खादी कॉटन के बने होते हैं ये। ये राम सीता का ज्यादा उसमें हाँ जी मछली का जैसे चित्रण किया जाता है। इसके साथ साथ आजकल जैसे बहुत लोग मछली नहीं भी लोग बॉर्डर का भी काफी इस्तेमाल करते हैं, मास्क वगैरह में जितना फैंसी दिख सके, किसी को सोबर चाहिए किसी को थोड़ा तरक भरक वाला चाहिए, तो हम उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली हम बनाते हैं। हर तरह के मास्क यहाँ पे बच्चों के लिए बड़ों के लिए सबके लिए बनाए जाते हैं। इसके अलावा ये दुपट्टे हैं, हर रेंज के दुपट्टे भी हमारे पास है, हमारे पास 450 से लेकर के 2500 तक के दुपट्टे आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे खरीदने वालों को शौक तो है कि हर तरह की चीजें खरीदे तो हम उनको अवेलेबल करवा सकें उस रेंज में, नहीं तो जनरल मार्केट में आप जाओ तो 800-900 से कम के सिल्क है ये। हाँ हाँ जी, ये आपका चंदेरी पड़ जाता है, चंदेरी से। ये मास्क सारा कॉटन का? हाँ ये सारा कॉटन रहता है, प्योर कॉटन, खादी कॉटन भी हम लोग यूज करते हैं और कॉटन भी हम लोग यूज करते हैं, और इसमें कहीं भी आगे पीछे डबल लेयर की ये होती है, और इसमें कलर भी जो यूज किया जाता है वो कम से कम जल्दी छूटने वाला तो नहीं होता, बिल्कुल नहीं छूटता ये जल्दी। इसके अलावा और आपके पास क्या कॉटन क्राफ्ट है? इसके अलावा हमारे पास जैसे एप्लिक वर्क के हैं, एप्लिक वर्क के काम के चीजें हैं वो भी सिखाते हैं, ज्वेलरी मेकिंग है, ज्वेलरी की भी कुछ चीजें हम लोग बताते हैं ज्वेलरी डिजाइनिंग के लिए कि कैसे हम लोग साधारण। आपने बताया कि साकेत के पास मेहरौली के पास क्या आप लोगों ने किया है उसको? मेहरौली एसडीएम ऑफिस में हमने वहां पे पूरी दीवारों को जो है उनका एक पार्क बना है ऑफिस के अंदर, उसमें हमने चारों तरफ पेंटिंग करी है, और इसके अलावा वहां के अलावा हमने पुल प्रहलादपुर में किया है, ओखला में किया है, आपका खानपुर साइड किया है, फिर साउथ एक्स में भी हमने किया है, साउथ एक्स वाले जगह पे भी हमने किया है। दिल्ली गवर्नमेंट से आप लोगों को प्रमोट मिलता है, प्रमोशन मिलता है? नहीं अभी तो हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं मिला, लेकिन हाँ काम कुछ कुछ हम लोगों को वहाँ से, जैसे अभी हम लोग जुड़े हुए हैं तो मैंने कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी बनवाई हैं जो दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत NULM के अंतर्गत आती हैं, तो उसमें मैंने अभी 3 SHG ग्रुप बनवाई हैं महिलाओं को, तो उनके थ्रू हम लोगों को ये सपोर्ट मिल जाता है कि जो महिलाएं हैं उनको सामान की बिक्री उनकी जो है वो अच्छे अच्छे बड़े बड़े मॉलों में हमें अवसर मिल जाता है उसके थ्रू करने के लिए। जैसे अभी हमने साकेत सेलेक्ट सिटी मॉल में अभी हमने एग्जीबिशन लगाया था वंडर वुमन का, वंडर वुमन SHG है एक हमारी, तो वहाँ लगाया था, वहाँ पे भी काफी अच्छी सेलिंग रही उनकी, तो एक बहनों का जो है हमारी बहनों को एक रोजगार का साधन मिल जाता है घर बैठे, ताकि हर कोई नहीं चाहता कि हमारी बहनें जो बाहर जाके ही कमाएं, वो घर बैठे भी बहुत कुछ कमा सकती हैं बना सकती हैं, इसी चीज को मैं आगे प्रोत्साहित करना चाहूंगी अपने कामों के लिए। ये है सिंदूर किया, यहाँ अल्पना आर्ट फाउंडेशन में, क्रिएटिव फाउंडेशन में
आर्ट एंड क्राफ्ट के अलावा मिथिला के लोग जो दिल्ली में रहते हैं वो उनको उनके परिवार में जो भी शादी उपनयन मुड़न में जो भी विधि विधान का जो सामग्री होता है वो यहाँ आपको आसानी से उपलब्ध हो सकता है। ये है सिंदूर किया कह सकते हैं, तांबा जनरली आपको गांव में ही मिलेगा, इधर कहीं दिल्ली में पूरा भटक के परेशान हो जाएंगे कहीं नहीं मिलेगा, आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं यहाँ मिलेगा। ये गौरी पूजा के समय काम में आता है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं, आपको यहाँ सारा मिलेगा यहाँ पर। तो एक्सप्लोर पिक्चर के लिए मैं जी एन झा।